हिंदुओं सुनो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हिंदुओं सुनो, यहां पक्षपात कुछ ना राखू, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, न हिंदू की तरफ, न मुसलमान की तरफ, न सिख की तरफ, न ईसाई की तरफ, आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा। वेद पुराण सद सद भागू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही सही बताऊंगा, हमारी अपनी किताबों में जो लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा, आज मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा, जो सत्य है उसी को बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, अरब देश, अरब का मुल्क चौदहवीं रात की चांद की तरह चमकेगा, सूरज की तरह जगमगाएगा, और उसके अंदर चमत्कार दिखाने वाला, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला प्रकट होगा, ऐसी बातें जो किसी और से ना हो सके वो करेगा। क्या मतलब? मौजजे दिखलाने वाला, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने मौजजे दिखलाए थे ना, उंगली का इशारा किया चांद के दो टुकड़े हो गए, अबू जहल ने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या बता दो तो मैं ईमान ले आऊंगा, अल्लाह के नबी ने कहा मुझसे क्या पूछता है, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो खुद मेरा कलमा पढ़ रही हैं। जब उसने कान में लगाया तो कलमा पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, उसने फेंक दिया, हैं मोहम्मद तू जादूगर है, अब तो विश्वास हो गया है। एक गिलास दूध, सारे सहाबा भूखे, अल्लाह के नबी भी भूखे, अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मैं तो 6 दिन से भूखा हूँ, पहले मुझे दे दीजिए मैं पी लूँ। आपने कहा नहीं, बिस्मिल्लाह एक तरफ से पिलाओ, एक गिलास दूध 116 लोग, और आप कह रहे हैं दाहिनी तरफ से पिलाओ, अरे वो पहले ही से नहीं बचेगा। आपने कहा पिलाओ, अबू हुरैरा ने एक को दिया, लो पियो, पिया उसने, कर लीजिए। अबू हुरैरा कहते हैं अब क्या दे रहा, खाली गिलास, कुछ बचा भी है? कहा अबू हुरैरा ये पूछो कि कुछ कम भी हुआ है? देखा है पूरा का पूरा भरा है, दूसरे को दिया भरा रहा, तीसरे को दिया भरा रहा, चौथे को दिया भरा रहा, पांचवे को, 10 ने पिया, 20 ने पिया, 40 ने पिया, 50 ने पिया, 100 ने पिया, 110 ने पिया, 115 ने पिया। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन बचा? अबू हुरैरा कहते हैं मैं। का पियो, बैठ गए पीने लगे, 6 दिन से भूखे थे इसलिए एक ही सांस में पीते चले गए, बड़ो हाँ लीजिए अल्लाह के नबी। कहा नहीं और पियो, कहने ने पेट भर गया है काफ़ी है, नहीं और पियो, दोबारा पिया। कहा अल्लाह के रसूल बस बहुत हो गया ना, और पियो, तुम 6 दिन से भूखे हो और पियो। तीसरी बार पी के कहा अल्लाह के रसूल अपने ही पेट फट जाएगा बस, और आपको भी 3 ही सांसें करवाना थी, क्योंकि वो जज्बात में एक ही सांस में पीते चले गए, 3 सांसें हो गई। कहा अल्लाह के रसूल बस, तब अल्लाह के नबी ने उस गिलास को अपने हाथ में लिया और फिर पिया। सोतियल भरम गत सुनो घगुराए, अरब देश 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा, और उसके अंदर अनहोनी बातें दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला पैदा होगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। यकीन नहीं आता तो अभी नाम भी आ रहा है, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा सियासत, लेकिन सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी, सबको सख्ती से नहीं, सबके साथ नरमी भी नहीं। आपने सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि कबीले बनू मखसूम की लड़की जब चोरी में पकड़ के लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इस लड़की ने चोरी की, क्या नाम है? फातिमा। का हाथ काट दो। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घर की, बड़े अमीर बाप की बेटी है, लोग क्या कहेंगे? कहा कि इस्लाम ये नहीं देखता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सबके लिए बराबर, हाथ काट दो। नबी अकरम के सबसे करीबी और चहीती शख्सियत को भेजा, बहुत ज्यादा जो अल्लाह के रसूल से क्लोज थे, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद। अल्लाह के नबी तुम्हारी बात जरूर मान लेंगे, जाओ सिफारिश करो,
उसामा ने कहा अल्लाह के नबी बहुत ऊंचे घर की है, छोड़ दीजिए उसे। आपने कहा उसामा अतशफाउ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के कानून को बदलने की बात करते हो? क्या मैं अल्लाह की हद को तोड़ दूं जो अल्लाह ने नाफिस की है? क्या उस हद को मैं बदल सकता हूं? नहीं, उसका हाथ काटा जाएगा। हाथ काट दिया। लोगों ने कहा बहुत बदनामी हो रही है अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब ये दिया, वो बनू मखजूम कबीले की लड़की जिसका नाम फातिमा था, उसका हाथ काट दिया मैंने, उस पर अफसोस कर रहे हो? लो अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लकतअत यदहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को भी माफ कर दिया, अपने चचा हमजा का नाक और कान और जबान काटकर उसका हार बनाकर अपने गले में डालने वाली और पेट फाड़कर कलेजा निकाल के चबाने वाली हिंदा को भी आपने माफ कर दिया। नरमी की तो इतनी नरमी की और सख्ती की तो इतनी सख्ती की। सख्ती और नरमी दोनों से आपने राजनीति चलाई, सियासत की, हुकूमत चलाई, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे। तुलसीदास जी कहते हैं वो राजनीति करेगा, आपन मत सबका समझावे, सख्ती भी करेगा और नरमी भी करेगा। तब तक मद्दी कोया, मदमानी मीठी कोया मानी आवाज, तब तक मद्दी कोया, जब तक इस दुनिया के अंदर मीठी आवाज बाकी रहेगी, मीठी आवाज मत मीठी कोया आवाज, मीठी आवाज का मतलब कुरान की तिलावत, शीरी आवाज यानी कुरान। तब तक मद्दी कोया, जब तक इस दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, बिना महामद पार न होया, उस वक्त तक कोई भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकता है। यानी कुरान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही समझा सकते हैं, कुरान पर अमल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। जब तक कुरान बाकी रहेगा तब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते की बगैर कोई रास्ता नहीं है पार होने का। बिना महामद पार न हो या कोई, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चले बगैर कोई भी आदमी स्वर्ग और जन्नत में नहीं जा सकता। यह तुलसीदास जी ने कहा संग्राम पुराण में, जो आज भी लिखा हुआ है। यह सब मंत्र मैं इंडिया ही में पढ़ता हूं, अगर एक भी गलत होता तो मीडिया वाले आज हमको नंगा कर दिए होते, कहीं का नहीं छोड़ते, कहीं का नहीं। और जितेंद्र नारायण त्यागी के मुकाबले में लाके खड़ा कर देते, समझ गए ना? जितेंद्र नारायण त्यागी हम किसको कह रहे हैं, नाम मत लीजिएगा उसका, मैंने नाम ले लिया है। ये दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो, हमारी तकरीर करोड़ों की कीमत रखती है, लिहाजा दो दो पैसों के लोगों के और दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम मत लिया करो। चले थे कुरान बदलने, कितने घमंड से कहा था कि मैं कुरान मिटा दूंगा, कुरान बदल दूंगा, 26 आयतें निकाल के रहूंगा, कुरान चेंज करके रख दूंगा। यस्तबतिल कौमन गैरा कौम, जब तुम अल्लाह की नाफरमानी खुल्लम खुल्ला करोगे, मेरे नबी मोहम्मद के रास्ते पर खुल्लम खुल्ला बिगड़ के चलाओगे, तो हम तुम्हें बदल देंगे और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएंगे। यस्तबदिल कौमन गैरा कौमिन, हम तुम्हारी जगह दूसरी कौम को मुसलमान कर देंगे और तुम्हें बदल देंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने इनको ही बदल दिया। कोई ताकत नहीं है जो कुरान को बदल दे, कोई ताकत नहीं। चले थे 26 आयतें बदलने, अरे तुम 26 आयतें क्या, 26 मरतबा मरने के बाद और अल्लाह की कुदरत से 26 मरतबा जिंदा भी हो जाओ, और 26 मरतबा जिंदा होने के बाद भी चाहो कि 26 आयतें बदलने, तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकते, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं।
ये तेरे बाप की किताब नहीं है। जिसने तुझे मंत्र पढ़ाया ये उसके बाप का भी कुरान नहीं है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को उतारा है, अल्लाह कह रहा है हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ आओ और एक मैदान में आ जाओ, आओ मंत्र पढ़ाने वाले पंडितों तुम्हें चैलेंज देता हूं, ईसाइयों तुम्हें चैलेंज देता हूं, यहूदियों तुम्हें चैलेंज देता हूं, मुल्ला मौलवी भी, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी। भारत में जितने भी धर्म हैं उन सबके धर्म के विद्वानों को खुला चैलेंज देता हूं, अपनी अपनी धार्मिक किताबें ले आओ, आओ एक मैदान में चलिए, आओ एक मैदान में उसको जमा करते हैं, आओ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा करते हैं, सारी किताबें लाओ। ईसाई अपनी बाइबिल ले आए, यहूदी अपनी तौरात ले आए, हिंदू भाई और हिंदुओं के पंडित अपने वेद ले आए, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए, जैनी अपने महावीर की जैनिज्म ले आए, मुसलमान भी कुरान ले आए। आओ चैलेंज देता हूं, सारी किताबों को एक साथ जला दो और एक भी किताब बाकी न रखो, सब में तेल लगा दो, घासलेट डाल दो, पेट्रोल डाल दो और आग लगा दो। मोदी जी भी वहां हो, अमित शाह भी वहां हो, जर्जीस भी वहां हो, पादरी भी वहां हो, क्रिश्चियन का राहिब भी वहां हो, हर आदमी हर धर्म के विद्वानों को उस जगह जमा करो और सारी किताबें जलाने के बाद कहो कि अब अपनी अपनी किताबें लेकर आओ। ईसाइयों आओ अपनी इंजील पेश करो, नहीं कर पाएगा। यहूदियों अपनी तौरात सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। सिखो अपना सिखमिज्म पेश करो, गुरु किरण पेश करो, नहीं कर पाएगा। बुद्धिस्टो अपना बुद्धिज्म लेकर आओ, नहीं ला पाएगा। हिंदू भाइयों अपने वेदों को पढ़ के सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। जर्जीस तुम्हारी किताब कुरान भी तो जला दी गई है, आओ इस कुरान को पेश करो। 9 साल का बच्चा मुसलमान का, 10 साल का बच्चा मुसलमान का उठेगा, बिस्मिल्लाह की बे से शुरू करेगा और वन्नास की सीन पर ले जाकर खत्म कर देगा और सब धर्म वालों के मुंह पे थप्पड़ मारता हुआ कहेगा ये कुरान है जो जलाने से भी नहीं जलता है, ये कुरान है जो मिटाने से भी नहीं मिटता है, ये कुरान है जिसकी तालीम में कशिश रखी है अल्लाह ने, इसको समंदर में डाल दो तो समंदर डुबो नहीं सकता, आग में जला दो तो आग जला नहीं सकती, इसको दुनिया की कोई ताकत मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकती। ये वो किताब है जो बड़े बुजुर्गों के दिलों में नहीं, 9 और 10 साल के बच्चों के सीने में महफूज है। ये 10 साल का बच्चा बड़े बड़े लोगों के मुंह पे तमाचा मारेगा और कहेगा कि ये कुरान वो तो जला दिया जो कागज के टुकड़ों पर था, वो तो चला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, लेकिन उस कुरान का क्या करोगे जो हमारे सीने में महफूज है, जो हमारे दिल के अंदर महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने कहा तेरी हैसियत देख, पूरी दुनिया के लिए हम तुझी को बदल दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं तेरी।